जेके टायर्स मोटर स्पोर्ट्स को कंसिस्टेंटली सपोर्ट करता है और हर साल FMSCI के साथ मिलकर नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप कराते हैं। ये रेसिंग चैंपियनशिप लगातार लोकप्रिय होती जा रही है और कई सारे अच्छे बडिंग रेसर्स हैं जो कि यहाँ से निकल कर आए हैं। आदित्य पटेल, अरमान इब्राहिम, कुछ ऐसे नाम हैं। इस साल भी रेसिंग चैंपियनशिप बहुत शानदार हुई, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसमें शिरकत भी करी और कुछ अच्छे सरप्राइजिंग विनर्स भी निकल कर आए। एक नज़र डाल लेते हैं इस ग्रैंड फिनाले पर। इस हफ्ते इंडियन बाइक और कार एंथुसियास्ट की निगाहें टिकी थी 19वें जेके टायर FMSCI नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप पर, जो कि BIC यानी कि बुध इंटरनेशनल सर्किट पर आयोजित किया जाता है। चार अलग अलग कैटेगरीज के मुकाबलों पर नजर रहती है। इन सभी कैटेगरीज में जोनल मुकाबले होते हैं और चुने हुए रेसर BIC पर शिरकत करते हैं। मोटर स्पोर्ट्स दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स माना जाता है, जो कि अनअफोर्डेबल है कॉमन मैन के लिए और जिसको कहते हैं कि रिच मैन स्पोर्ट्स माना जाता है। हम उसका मिथ ब्रेक करना चाहते हैं, इसलिए हमने इसको कॉमन मैन के स्तर पर लाने का प्रयास किया है। हमने इसको जो गो कार्टिंग का हम ट्रैक, 9 हमारी फ्रेंचाइजी ट्रैक्स हैं हिंदुस्तान में, वहाँ कोई भी यंग मैन एंड वुमन जाके कपल ऑफ 100 रुपीज़ में 45 मिनट्स का गो कार्टिंग कर सकता है। जेके टायर्स पिछले कई सालों से मोटर स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर रहा है और कई रेसर्स को वर्ल्ड स्टेज तक पहुंचाया है। मोटर स्पोर्ट्स के इस फॉर्म को लेकर पॉपुलैरिटी भी हर साल बढ़ती नजर आ रही है। BIC पर भी इस साल इन रेसर्स को देखने के लिए भारी संख्या में लोग नजर आए। रेस के अलावा माहौल को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कंसर्ट और स्टंट्स का भी आयोजन किया गया, लेकिन सभी निगाहें थी यूरो 16 चैंपियनशिप पर, जहां हैदराबाद के अनंत ने बाजी मारी। दूसरे पोजीशन पर अनंत और तीसरी पोजीशन पर नयन चटर्जी रहे। जेके 1000 cc कैटेगरी में कंपटीशन काफी टफ नजर आया। रेसर्स के अलावा स्पेक्टेटर्स के लिए भी ये काफी एक्साइटिंग रहा। संदेश पी ने यहाँ पर बाजी मारी 27 पॉइंट्स के साथ, और 27 पॉइंट्स के साथ ही दूसरे स्थान पर रहे सिमरनजीत सिंह। यंग बडिंग रेसर्स के लिए ये एक खास मौका था और BIC में इन युवा रेसर्स को देखकर एक बात साफ थी कि मोटर स्पोर्ट्स चाहे धीमी गति से बढ़ रहा हो, युवा रेसर्स में भारत के लिए एक स्पीडी फ्यूचर साफ नजर आ रहा है। ट्रैक पर गाड़ी चलाने का और ट्रैक पर गाड़ियों को चलते हुए देखने का मजा ही कुछ और है। चलाने का मजा हमने लिया बुध इंटरनेशनल सर्किट पर, जब ऑडी का स्पोर्ट्स कार इवेंट हुआ था। कैसी लग रही थी गाड़ियां, ये नजर आप तस्वीरों में ब्रेक पर जाने से पहले डाल लीजिए।